तो मैंने आपको पूरा मेरा फ्लैट अच्छे से दिखाने की कोशिश की। जो नए बच्चे यहाँ पे आएंगे तो उनको कुछ सैंपल कुछ ना कुछ देखने के लिए चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। हेलो तो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सर दीपक अड़ूकर, आई एम मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। तो आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे रशिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मुझे इससे पहले बहुत सारे यूट्यूब कमेंट सेशन में भी मुझे बहुत सारे सवाल आए थे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे सवाल आए थे, व्हाट्सअप पे भी बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया था कि आप रशिया में रहते हो, मेडिकल स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप रहते कहाँ पे हो, नहीं हॉस्टल पे रहते हो या फ्लैट पे रहते हो। तो मैंने फर्स्ट ईयर यहाँ पे मैंने हॉस्टल पे रहा था, कंसल्टेंसी के हॉस्टल पे। बाद में सेकंड ईयर के बाद में मैंने फ्लैट लिया था, मैं फ्लैट पे शिफ्ट हुआ था। तो मैं आज आपको दिखाना होगा कि मेरा फ्लैट कैसा है, मैंने फ्लैट की जो मैंने फ्लैट कब रेंट किया था, मेरे फ्लैट का रेंट कहाँ है, मैंने ओनर के साथ में कैसी बात की, फ्लैट कैसा रेंट किया, मैं आज सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको अब मेरा फ्लैट दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे फ्लैट की जो बिल्डिंग है, देखिए इधर देखो, ये जो है मेन स्ट्रीट है, इसको बोलते हैं इकातरीन स्क्वायर स्ट्रीट है, यानी ये सिटी सेंटर। अगर यहाँ इस रास्ते से आप सीधे आप जाओगे तो सिटी सेंटर में रास्ता जाएगा, जहाँ पे मेन सिटी का सेंटर है वहाँ पे रास्ता जाएगा। तो वहाँ से रास्ता आता है इकातरीन स्क्वायर, उस स्ट्रीट का नाम है। तो हमको यहाँ से एंट्री मिलती है अंदर आने के लिए, और 5 फ्लोर की बिल्डिंग है यहाँ पे, यानी इस बिल्डिंग को कितने 3, 4, 5, 6 पोज, इसको पोज बोलते हैं, यानी हर एक अपार्टमेंट का पूरा एक ब्लॉक रहता है उसको पोज बोलते। तो मैं रहता हूँ 3rd नंबर के पोज में। तो मैं आप दिखाऊंगा आपको मेरा इसका जो ये है एड्रेस है वो क्या है, उलिसा इकतरीन का 184, यानी मेरा हाउस का नंबर है 184 नंबर का हाउस है। और जो इसको बोलते पोएज 3, यानी 3 नंबर का अपार्टमेंट है, 3 नंबर का जो ब्लॉक है उसको बोलते नंबर दिया हुआ है, इसको पोएज बोलते हैं। तो एक 184 नंबर का अपार्टमेंट है उसका, 3rd ब्लॉक में मैं रहता हूँ। तो मेरा फ्लैट नंबर है 43। तो मेरे पास अभी मेरे फ्लैट की है, चाबी है। तो उसके ये जो रहता, अगर मैं अकेला आया हूँ, अगर अंदर कोई नहीं रही, क्योंकि हमारे हम 4 जन रहते, हर एक का क्लास अलग अलग टाइम पे होता है, अलग अलग ग्रुप में हम 4 जन हैं। अगर मैं अकेला आया हूँ तो मैं अकेला ही चाबी से खोल सकता हूँ। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर ऐसा लगा है तो ये दरवाज़ा खुल गया। अगर कभी कभी मेरे पास चाबी नहीं होती है, मैं अकेला आया हूँ, मैंने चाबी लगाई खोल दिया, अगर कभी कभी मेरे पास चाबी नहीं है और अंदर कोई है, अगर ये अंदर राफे है, तो अभी मैं यहाँ पे आऊँगा, 43 नंबर का बटन दबाऊँगा, और बटन दबाया तो अंदर से कोई खोलेगा। अगर मेरे पास चाबी है तो मैं डायरेक्ट खोल सकता हूँ, और चाबी नहीं है तो मैं बटन दबा के अंदर से कोई खोलेगा। ये पूरा सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ यहाँ पे। हेलो, मैं दीपक बोल रहा हूँ, राफी खोल। अब मैंने बोला राफी को, मैं दीपक बोल रहा हूँ, उसने सिक्योरिटी हुई कि मैं दीपक हूँ करके, उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो अब हम अंदर जाएंगे। अंदर आने के बाद में मेरा फ्लैट जो है नीचे फ्लोर पे ही है, यानी 1st फ्लोर पे ही फ्लैट है। अभी यहाँ पे थोड़ा अंदर है इसलिए आपको बराबर दिख नहीं रहा हूँगा। अंदर आने के बाद मैं भी दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आने के बाद में अभी तो सबको पता है कि समर चालू है, जब विंटर रहता था उस टाइम में बाहर ठंडी रहती, टेम्परेचर -25, 20, 30 ऐसा रहता, उस टाइम हम जॉकेट पहन के बाहर जाते। जब उस टाइम जब अंदर आए समर विंटर के टाइम में जब अंदर आते तो उस टाइम ये जो जॉकेट रहता वहाँ उसको यहाँ पे टंगना पड़ता। और बाहर जो हम शूज़ यूज़ करते वो पूरे बर्फीले रहते ना, उसकी वजह से वहाँ पे पूरा नेचर कीचड़ ऐसा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे शूज़ चेंज करना पड़ते हैं। तो यहाँ आने के बाद में पूरे शूज़ चेंज करना पड़ते हैं, क्योंकि अंदर बाहर का टेम्परेचर माइनस में रहता है, अंदर प्लस में रहता है, इसलिए अंदर आने के बाद में पूरा बर्फ़ का जो पूरा पानी पिघल जाता ना, इसलिए यहाँ पे शूज़ रखना पड़ते हैं। और शूज़ पहन निकालने के बाद में यहाँ पे पेशेंट में उसको तापस की बोलते हैं, हम यहाँ पे उसको स्लीपर बोलते हैं। यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है, तो मैं आपको टॉयलेट बाथरूम सबसे आखिर में दिखाऊंगा, स्टार्टिंग में दिखाऊंगा, हॉल दिखाऊंगा कैसा है। तो चलिए हॉल के अंदर अभी एंट्री ली हुई है। तो यहाँ पे हम चार, आपको पता है कि मैंने पहले कहा आपको कि यहाँ पे हम 4 लोग रहते, 4 फ्रेंड रहते, तो 2 जन यहाँ पे हॉल में सोते, यहाँ पे उनका 2 जन के लिए सोने की जगह है, और यहाँ पे जो है हमारा 2 जन की कपड़े रखने के लिए यहाँ पे जगह है, ऊपर उनका जो बैग वगैरह जो कपड़े निकालने के बाद में वहाँ पे बैग वगैरह रख दिया है, और यहाँ पे हम थोड़ा कंघा वगैरह रखने के लिए आईना वगैरह यहाँ पे है, कुछ भगवान की तस्वीरें वगैरह है। रात को खाना खाने के लिए हम यहाँ पे नीचे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं, और यहाँ पे सोफ़ा वगैरह कुछ टाइम पास करने के लिए, मोबाइल वगैरह चलाने के लिए यहाँ पे बैठते हैं। और आप सबको पता है कि रशिया के अंदर सबको पता है कि ठंडा प्रदेश है, ठंडी है, तो जब टेम्परेचर -15, 15, 20 हो जाता तो ऐसे पूरी ठंडी हवा आती है, इसलिए ये पूरी अच्छी खासी खिड़की यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे शिवाजी महाराज का फोटो वगैरह, यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बाजू में भी एक रूम है, इधर स्टडी रूम भी है, दोनों को अगर पढ़ाई करनी होगी तो यहाँ पे टेबल वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे बैठ सकता है।
यहाँ पे स्कूल बैग वगैरह रखने के लिए थोड़ा टेबल टाइप है। यहाँ पे जो कुछ किताबें वगैरह है इसके अंदर कुछ दोनों की किताबें वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं दोनों। और लाइट की वगैरह भी यहाँ पे अच्छे खासे लाइट लगे हुए हैं, लाइट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बैठने के लिए भी, और हो जब आप सबको पता है कि रशिया के अंदर ठंडी है, -20-25 कभी कभी टेम्परेचर 30 भी हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे हीटर लगे हुए हैं जब भी ठंडी बढ़ती उस टाइम। अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी 9-10 तक ही टेम्परेचर है, तो अभी थोड़ा हीटर कम है, लेकिन तब ठंडी बढ़ जाएगी, -15-20 हो जाएगा, उस टाइम हीटर काम करेंगे। वैसे आपने अभी आप लोगों ने अभी हॉल देख लिया, तो ये हमारा स्टडी रूम और स्टोर रूम दोनों भी इसका यूज़ करते हैं हम, स्टडी रूम के लिए भी और स्टोर रूम के लिए भी। तो यहाँ पे हमारा जो बचा खुचा सामान है यहाँ के इसके रूम के अंदर बैग वगैरह जो यहाँ पे रख दिए हैं, और यहाँ पे मेरे हम दोनों ने यहाँ पे उनकी किताब यहाँ पे रख दी है, हमारे दोनों की किताब वगैरह जो है हमने यहाँ पे इसके अंदर रख दी है, किताब वगैरह जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के। और यहाँ पे एक जन आराम से यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि रात को किसी को नींद आती तो अकेले इस रूम में कोई आके पढ़ाई कर सकता है, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगाए हुए हैं, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह किताबें वगैरह ड्रॉअर है सब, चेयर वगैरह, तो एक जन आराम से यहाँ पे कम्फर्टेबली बैठ के पढ़ाई कर सकता है। गजानन महाराज, गणपति और कुछ भगवान के फ़ोटो वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। हॉल के अंदर शिवाजी महाराज का भी फ़ोटो लगा हुआ है, लास्ट ईयर हमने सब ने अपने लास्ट ईयर की वीडियो देखी होंगी, वहाँ पे शिवाजी महाराज की जयंती हमने सेलिब्रेट की थी। हॉल को ही अटैच एक दूसरा रूम है, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हॉल में दो जन सोते, तो उसी तरह का यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे दो जन सोते हैं, मैं और रूम यहाँ पे सोता हूँ, वहाँ पे राफे और शुभम सोता है। और यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट वगैरह है, यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग वगैरह करने के लिए दो जन के सोने के लिए बेड, वहाँ पे स्टूल वगैरह, वहाँ पे कुछ मोबाइल वगैरह रखने के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक जन हॉल में पढ़ाई कर सकता है, एक जन बाजू के स्टडी रूम में वहाँ पे पढ़ाई कर सकता है, और यहाँ पे भी कोई एक जन यहाँ पे रोटेट करके पढ़ाई कर सकता है। वहाँ पे टेबल चेयर वगैरह रखी हुई है, और जैसा उस रूम में ऐसा हीटर है, वैसा किचन में भी हीटर है, यहाँ पे भी हीटर है, वहाँ पे विंडो वगैरह उसी तरह की विंडो यहाँ पे लगी हुई है। और जैसा हॉल में कहा था कि दो जन को कपड़े वगैरह रखने के लिए, उनको ड्रेसेस वगैरह रखने के लिए वहाँ पे अलमीरा है, तो उसी तरह का यहाँ पे दो जन को कपड़े वगैरह रखने के लिए ऐसा अलमीरा है, और यहाँ पे दोनों की खाली वगैरह बैग रखी हुई है, और ऊपर लैंप वगैरह लगा हुआ है, लाइट का भी प्रॉब्लम होनी। यहाँ से अपन ने एंट्री ली थी, अभी यहाँ पे पूरा अपने आप सबको मैंने हॉल दिखाया, उधर वहाँ पे स्टडी रूम है, कस्टोडी या स्टोर रूम, बाजू में मैंने आपको बेडरूम दिखाया, वहाँ पे दो जन के लिए यहाँ पे हॉल दिखाया। अब हम जाएंगे भी किचन में, तो चलिए आपको हम किचन दिखाएंगे भी। किचन में एंट्री लेते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बेसिन वगैरह है साफ़ सफाई करने के लिए, यहाँ पे हम जो बर्तन वगैरह मांजने के बाद में यहाँ पे बर्तन वगैरह यहाँ पे रखते हैं मांजने के बाद में, और ऊपर कुछ मसाले वगैरह जो है, कुछ दाल वगैरह रखने के लिए डब्बे वगैरह जो है प्लास्टिक के अंदर दाल वगैरह रखी हुई है। और यहाँ पे ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, और कुछ कुछ बर्तन मांजने के बाद तुरंत यहाँ पे पानी झरना रखने के लिए यहाँ पे बर्तन रख देते हैं। यहाँ पे कुछ कैरेट के अंदर कुछ प्याज लहसुन अदरक वगैरह जो है फल फ्रूट यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे गैस है, ये ड्यूअल गैस है, यहाँ पे ऊपर गैस है चार बर्नर, और उसके नीचे ये ओवन टाइप काम करता है, नीचे ओवन और ऊपर ये गैस ऐसा छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट है किचन है। तो यहाँ पे नीचे कुछ हमने जो दाल वगैरह जो लाई हुई है, कुछ सामान वगैरह स्पाइसेस वगैरह, तो इसके अंदर उसको स्टोर करके रख देते हैं। और ये है हमारा टॉयलेट बाथरूम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एंट्री लेते हुए लेफ्ट साइड में टॉयलेट बाथरूम है, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह है कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पे जैसे सब रूम में हीटर है, तो वैसा बाथरूम में टॉयलेट बाथरूम में भी हीटर है लगा हुआ है। यहाँ पे बाथ टब वगैरह है, और यहाँ पे कुछ जगह है शैम्पू वगैरह सोप वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे आईना वगैरह है, और ऐसा कुछ थोड़ी स्पेस है यहाँ पे वॉशिंग पाउडर वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पे डस्टबिन वगैरह रखी हुई है। वैसे आप सब लोगों ने भी मेरा फ्लैट देखा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि वहाँ पे फ्लैट का रेंट क्या है, कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे, तो हमको भी स्टार्टिंग में पता नहीं था कि फ्लैट का कहाँ कैसा रेंट करना है, किससे बात करनी है, क्या करनी है। तो हमने स्टार्टिंग में कुछ ऑनलाइन नेट पे सर्च किया था, तो मुझे एक वेबसाइट मिली थी, वो सारे मेरे ऐसे दोस्तों ने भी कहा था कि अभी तो पे सर्च करो करके, तो हमने अभी तो पे सर्च किया, लेकिन अभी तो पे हमको एक एजेंट मिला, उसके हमने क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एजेंट मिलते हैं, लेकिन आपको ऑथोराइज एजेंट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट वगैरह रहता, वो उनके ऑफिस में जाके आप बातचीत करोगे तो वो कुछ फ़ीस वगैरह लेते हैं, 5,000-8,000 ऐसा कुछ उनके हिसाब से फ़ीस वगैरह लेते।
अगर आपने ऑथोराइज एजेंट से अगर अपना फ्लैट लिया, अगर आप उनके ऑफिस में जाने का, आप उनको देखने का कि कौन से एजेंट क्या है, अगर आपने ऑथोराइज एजेंट से अगर फ्लैट लिया तो आपकी पूरी एश्योरिटी लेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करके देंगे, ओनर के साथ से आपका मीटिंग करके दिखाएंगे कि ओनर कौन है क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे फ्लैट है, आप जाओ वहाँ पे ओनर के साथ बात करो और फ्लैट ले लो, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर कहाँ पे भी फ्लैट लोगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, क्योंकि ऑथोराइज, क्योंकि आप यहाँ पे रहते तो आपको, या अगर मैं यहाँ पे सिटी में रहता हूँ, परम सिटी में, तो मेरी जानकारी, मैं कहाँ पे रहता हूँ, ये पूरी जानकारी यहाँ के पुलिस स्टेशन को होनी चाहिए। इसलिए कौन सा भी फ्लैट लो, वहाँ से ओनर के पास से आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करके ही लेना है, उसके सिवा आप कभी भी फ्लैट लेना नहीं। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके लेना, अगर एजेंट मिला तो उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप एकदम फ्रीली आप फ्लैट ले सकते हैं। लेकिन ऑथराइज यानी जब आप फ्लैट लेते उस टाइम आपको रजिस्ट्रेशन मिलना कंपलसरी है। हमने भी बहुत सारे फ्लैट देखे, लेकिन वो कुछ कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे रेशन ओनर की, हम आपको रहने को देंगे लेकिन आप हम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। लेकिन फॉरेन स्टूडेंट अगर इंडिया के बाहर अगर कहाँ पे भी जाता है, कौन से भी कंट्री में, लेकिन वहाँ पे आपको रहने का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो यहाँ पे रशिया के अंदर भी आप कहाँ पे भी रहो, अपने जब हम बाहर जाते तो उस टाइम में हमारे पासपोर्ट के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन रहता है कि हम कहाँ पे रहते, उसका लोकेशन रहता, तो इसलिए हम वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसके सिवा कभी भी फ्लैट नहीं लेना चाहिए। और अब करते हैं फ्लैट के प्राइस की बात। आप ऐसा प्राइस का वेरिएशन अलग अलग रहता है, क्योंकि अगर आप सेंटर में रहो तो उसका लोकेशन के हिसाब से उसका प्राइस ज़्यादा रहता है, अगर सिटी के बाहर जितने जितने बाहर जितने चले जाएंगे तब उसका प्राइस जो रहता है फ्लैट का कम होते रहता है। तो हम में रहता अभी सेंटर, सिटी सेंटर के नज़दीक ही रहता हूँ, तो मेरे फ्लैट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 20,000 है, और उसके अलावा हमको रेंट देना अलग, क्या बोलते हैं उसको, कमनाली देना पड़ता है। कमनाली इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग रहता, गर्म पानी का, ठंडे पानी का, हीटर का बिल अलग रहता, तो वो अलग आता। तो नॉर्मली मेरा, हम 4 जन रहते तो हम लाइट वगैरह इसके हिसाब से हमारा कमनाली आता 6,000 रुपये, 20,000 हमने रेंट है फ्लैट का और 6,000 हमारा बाकी का खर्चा आता, नहीं 26,000 हमारा पूरा का खर्चा आता, और हम 4 जन मिल के डिवाइड बाई करके हम सब रेंट देते हैं। तो दोस्तों आप सब ने मेरा फ्लैट का टूर अभी दिखाई होगा, लगभग रशिया में सब तरह के फ्लैट यानी बाय एंड लार्ज ऐसे ही फ्लैट होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन हीटिंग सिस्टम वगैरह, टॉयलेट वगैरह जो मैंने दिखाया, लगभग ऐसा ही इसी तरीके का छोटा सा सैम्पल हमारा फ्लैट है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैंने मेरे तरीके से पूरे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की, शायद मुझसे कुछ गलतियाँ वगैरह हो सकती है, मेरा अभी फर्स्ट टाइम चलो है। तो मैं आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एज ऑलवेज स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट, बाय।